नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की उठापटक जारी है। यूपी के प्रयागराज में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुकेश साहनी, चंद्रशेखर रावण और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मुलाकात की। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही यूपी में तरह तरह के समीकरण बनने लग गए हैं। बीजेपी के धुर विरोधी ओम प्रकाश राजभर छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर लाने में लग गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मुकेश साहनी, चंद्रशेखर रावण और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मुलाकात की। बैठक में ओम प्रकाश राजभर ने बाकी तीन नेताओं की पार्टियों को भागीदारी मोर्चा में शामिल होने का न्योता दिया है। शहर के एक होटल में इन चारों नेताओं की मुलाकात हुई। ओम प्रकाश राजभर ने मुकेश साहनी, चंद्रशेखर रावण और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को अपने और ओवैसी के साथ आने का न्योता दिया है। सूत्रों का दावा है कि संजय सिंह की आम आदमी पार्टी ने फिलहाल भागीदारी मोर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि पार्टी की यूपी इकाई से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कुछ दिन और इंतजार करने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भागीदारी मोर्चा में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। जल्द ही चंद्रशेखर रावण औपचारिक तौर पर भागीदारी मोर्चा में शामिल होंगे। रावण के आने के बाद भागीदारी मोर्चा में शामिल होने वाली पार्टियों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर का ये भी दावा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी भागीदारी मोर्चा में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। ये न्योता बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी के जरिए दिया जाएगा। राजभर का दावा है कि आने वाले दिनों में मुकेश साहनी भी भागीदारी मोर्चा में शामिल होंगे। मोर्चे में पार्टियों और नेताओं की संख्या बढ़ाने को लेकर 21 सितंबर को लखनऊ में अहम फैसला होगा। 21 सितंबर को लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के बीच बातचीत होगी, जिसमें चंद्रशेखर रावण भी शामिल हो सकते हैं। राजभर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में लगे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले राजभर बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे, लेकिन बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ये माना जाता है कि राजभर का पूर्वांचल के कुछ इलाकों में अच्छा खासा दबदबा है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी राजभर को हल्के में लेने की नहीं सोच रही है। इसीलिए बीजेपी के किसी बड़े नेता की ओर से अभी तक राजभर के खिलाफ कोई बयान नहीं सामने आया है, जबकि राजभर खुलकर बीजेपी की तीखी आलोचना कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब कोई ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजभर भागीदारी मोर्चा बनाकर बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी संगठन बेहद मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि विधानसभा चुनाव में राजभर बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।